On First Day English today, we are going to discuss on page number 91. The chapter name is Self-Reliance. It is an essay by Ralph Waldo Emerson. So the name of the author, the name of the writer of this chapter is Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson was an author and a poet as well. So you have already read about this poet in class 9th in The Children. The Children was the poem written by Ralph Waldo Emerson. No, sorry, it was written by Andrew Longfellow, I think so. So, A Nation's Strength in class 10. So, that poem was written by Ralph Waldo Emerson. And he also wrote this poem in this chapter in first year that is called Self-Reliance, Khud Aitmadi, Khud Par Bharosa. It is a motivational chapter, jisme motivation, life lesson, aapko sikhne ko milega, jisko hum yahan par discard karne ja rahe without wasting time because time bahut short hai. Page 91. To believe your own thought, to believe that what is true for you in your private heart is true for all men. That is genius. Apne khayalat par yakeen karna aur is par yakeen karna ke what is true for you in your private heart is true for all men. Ke jo aapke dil mein chupa hai wo sab ke liye sach hai. That is genius. Aisa insaan zaheen hai, aisa insaan genius hai. Yahan par is chapter self-reliance mein aapko batayenge khud par bharosa karna, khud par aitmad karna. कि इंसान किस तरह से खुद पर भरोसा कर सकता है, खुद पर एतमाद कर सकता है, ठीक है. और हाउ कैन यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा. एक अच्छा चैप्टर है, लाइफ लेसन आपको मिलेगा ज़िंदगी आपके बनाने के लिए. कह रहे हैं कि टू बिलीव योर ओन थाट, कि अपने खुद के ख्याल पर यकीन करना और इस बात पर यकीन करना कि जो सच है आपके दिल में है वो सच है बाकी सब के लिए. दैट इज़ जीनियस. ऐसा इंसान बहुत जहीन होता है जो ये ख्याल रखता है. स्पीक योर लेटेंट कॉन्विक्शन एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस. लेटेंट मतलब छुपा हुआ, कॉन्विक्शन यकीन, जो आपका छुपा हुआ यकीन है उसके बारे में बात करें. एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस, और वही पूरे कायनात की बात बन जाएगी. मतलब जो आपके अंदर छुपी हुई बात है वही बात असल में वो बात है जो पूरी कायनात की बात है. फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम्स द आउटमोस्ट. चूँकि आपके अंदर जो कुछ छुपा है वही बाहर सब कुछ आपको दिखता है. जो कुछ आपके अंदर मौजूद है आपके दिल में वही कुछ बाहर आपको दुनिया में दिखता है. A man should learn to detect and watch that the ray of light which flashes across his mind from within more than the luster of the spheres of bards and sages. Ek shakhs ko seekh lena chahiye ke wo pehchan le, detect pehchan le aur dekhe ke the ray of light jo roshni ki kiran hai which flashes across his mind from within jo uske zehen mein chamakti hai more than the luster of the spheres. Luster मतलब तेज चमक, वो तेज चमक से ज़्यादा है. ऑफ द स्पेयर्स ऑफ बार्ड्स एंड सेजेस. बार्ड कहते हैं शायरों को. बार्ड मतलब शायर और सेजेस मतलब बाबा या दरवेश, या कोई बाबा जो होते हैं ना, दरवेश जो होते हैं, जो दरवेश होते हैं, जो शायर होते हैं, उनके गिर्द चमकने वाले स्पेयर से ज़्यादा रोशन होती है वो. मतलब कह रहे हैं कि आम इंसान को सीख लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि उसके जहन में अगर एक किरण चमकती है किसी चीज़ के बारे में, अगर रे ऑफ लाइफ फ्लैश करती है तो वो ज़्यादा है उस चमक से जो शायरों और बाबाओं के चारों तरफ तेज़ चमक होती है. मतलब इंसान जो खुद सोचता है, भले वो छोटी सोच क्यों ना हो, लेकिन उसकी वो सोच ज़्यादा मयारी है बनिस्बत और लोगों के सोचों के, जिनको आप पैरवी, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं. उससे बेहतर है कि आप अपनी सोच बनाएं. येट ही डिसमिसेस विदाउट नोटिस हिज थॉट बिकॉज इट इज़ हिज. फिर भी वो अपने थॉट को, अपने ख्याल को नोटिस नहीं करता इंसान, चूँकि वो उसका होता है. तो उसको अपने ख्यालात को लोग मायने नहीं देते. वो कहते हैं हमारे सोच हैं और हमको बड़े इंसान तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा हमारी सोच का. उसको छोड़ देते हैं. अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं. इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज आवर ओन रिजेक्टेड थॉट्स. हर जहीन इंसान के काम में हम पहचानेंगे कि उसमें हमारे ही मुस्तरद किए गए ख्यालात होते हैं. एक जहीन इंसान का वर्क जब हम देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार ये तो वो थॉट्स हैं जिस पर ये बंदा काम कर रहा है, जिसको हमने कभी रिजेक्ट कर दिया था, और वो बंदा उस काम को करके जहीन बन जाता है और दुनिया में वाह हो जाती है उसकी. दे कम बैक टू अस विद अ सर्टेन एलियनेटेड मेजेस्टी. वो वापस आते हैं वो ख्यालात हम तक विद अ सर्टेन, एक यकीनी, एलियनेटेड. एलियनेटेड मतलब अजीब. एलियनेटेड अजीब, मेजेस्टी शान शौकत. और वही हमारे ख्यालात जब दूसरा बंदा उन पर पैरवी कर लेता है और बड़ा इंसान बन जाता है, वही ख्यालात हमारे पास दोबारा वापस आते हैं अजीब से शान शौकत के साथ. फिर आप अफसोस करते रह जाते हैं, काश इस ख्यालात पर मैंने वर्क किया होता, मैंने ये दुनिया से ये कहा होता जो सामने वाला कह रहा है, ये तो मेरी ही बात थी, मेरी मुँह की बात उसने छीन ली. ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट हैव नो मोर अफेक्टिंग लेसन फॉर अस दैन दिस. अजीम काम फ़न के, अजीम फ़न के काम, ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट, अजीम फ़न के काम,
वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव, इतना ज़्यादा मौसर नहीं होते जितना ज़्यादा ये मौसर होता है. दे टीच टू अस टू अबाइड बाय अवर स्पॉन्टेनियस इंप्रेशन विद गुड ह्यूमर इन फ्लेक्सिबिलिटी देन मोस्ट व्हेन द होल क्राई ऑफ वॉइसेस इज ऑन द अदर साइड. दे टीच अस, वो सिखाते हैं हमें टू अबाइड बाय. अबाइड बाय मतलब पैरवी करना, जमे रहना किसी एक चीज़ पर. स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, स्पॉन्टेनियस या फौरी भी कह सकते हैं. इम्प्रेशन ख्यालात. गुड ह्यूमर्ड मतलब यहाँ पर है खुश मिजाजी. गुड ह्यूमर्ड मतलब खुश मिजाज या खुश मिजाजी. इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक, फ्लेक्सिबिलिटी. तो कहते हैं कि वो हमें सिखाते हैं कि हम पैरवी करें अपने लगातार आने वाले ख्यालात की खुश मिजाजी के साथ और एक इनफ्लेक्सिबिलिटी के लचक के साथ. देन मोस्ट व्हेन द होल क्राई ऑफ वॉइसेस इज ऑन द अदर साइड, जबकि बाकी तमाम चिल्लाने की आवाज़ें दूसरी तरफ से आ रही हों. मतलब आपके दिल में जो कुछ फ़ौरन से आपके दिल में जो ख्याल जज्बा आ रहा है उस जज्बे की पैरवी की जाए, उसको लिखा जाए. और जबकि चारों तरफ से जो आवाज़ें आ रही होंगी वो उसके मुखालिफ आ रही होंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने दिल की सुननी है, अपना दिल जो कह रहा है वो करना है. अदरवाइज वरना टुमारो अ स्ट्रेंजर विल से विथ मास्टरली गुड सेंस प्रिसाइसली व्हाट वी हैव थॉट एंड फेल्ट ऑल द टाइम एंड वी शैल बी फोर्स टू टेक विथ शेम आवर ओन ओपिनियन फ्रॉम अदर. टुमारो अ स्ट्रेंजर विल से विथ मास्टरली गुड सेंस प्रिसाइसली व्हाट वी हैव थॉट एंड फेल्ट ऑल द टाइम एंड वी शैल बी फोर्स टू टेक विथ शेम आवर ओन ओपिनियन फ्रॉम अनदर. वरना क्या होगा कि कल एक अजनबी वो बोलेगा मास्टरली गुड सेंस, बड़ी मास्टरली मतलब बड़े ही हुनर के साथ, मास्टरली गुड सेंस के साथ, बहुत अपने हुनर के साथ और बहुत महारत के साथ प्रिसाइसली ठीक तरह से वही बात करेगा जो हमने कभी सोचा था और हमने सोचा था हर वक्त. और बाद में हमें फोर्स, हम मजबूर होंगे कि हम अपने ही ओपिनियन को, अपनी ही राय को दूसरों से लेने में हम शर्मिंदा होंगे. मतलब ऐसा होगा कि अगर आप अपनी राय नहीं दोगे तो सामने कल एक अजनबी दूसरा बंदा उसी बात को जो बात आप कभी सोचते थे उसको ज़्यादा अच्छी तरह से बयान कर देगा, वो बात जो हम हर वक्त सोचते थे. और क्या होगा कि हमें उस बात को, हमें उस ओपिनियन को दूसरों से लेना पड़ेगा शर्म के साथ, मतलब शेमफुल फील होगा कि यार ये तो हमारी बात है जो सामने वाला बंदा कर रहा है. इसमें यहाँ पर चैप्टर में आपको सेल्फ रिलायंस बताया जाएगा, बड़ी फिलोसफिकल वे पर बताया जाएगा कि इंसान को खुद पे भरोसा करना चाहिए, जो उसके दिल में है ना वो बात उसके ज़बान पर आनी चाहिए, वरना उसको बहुत नुकसानात होते हैं इस चीज़ के. देर इज़ अ टाइम इन एवरी मैंस एजुकेशन वेन ही अराइव्स एट द कॉन्विक्शन दैट एंड वाई इज इग्नोरेंस दैट इमिटेशन इज सुसाइड दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर फॉर वर्स एज इज पोर्शन दैट दो द वाइड यूनिवर्स इज फुल ऑफ गुड नथिंग ऑफ सब्सटेंस कैन कम टू हिम बट थ्रो हिज टॉयल बेस्टोड ऑन दैट प्लॉट ऑफ ग्राउंड विच इज गिवन टू हिम टू टिल. एक वक्त आता है हर इंसान की तालीम में कि जब वो एक कॉन्विक्शन इस यकीन पर उतर आता है, एक वक्त आता है हर इंसान को जब उस बात की यकीन हो जाता है दैट एनवाई इज इग्नोरेंस, कि हसद करना जहालत है. एक वक्त आता है कि इंसान सीख जाता है, मैच्योरिटी लेवल उसकी रीच कर जाता है, इंसान को पता लग जाता है कि एनवाई मतलब जो हसद है, हसद करना इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस मतलब जहालत है. दैट इमिटेशन इज सुसाइड. इमिटेशन से मतलब नकाली, नकल करना किसी की, सुसाइड खुदकुशी करना जैसा है. अगर इंसान किसी की नकल करता है, किसी के ख्यालात की पैरवी करता है और अपने खुद के कुछ ख्यालात नहीं होते उसके, तो असल में सुसाइड करने जैसा है, क्योंकि उसके अपने आप ने उसने मार दिया, दूसरों के ख्यालात पर सिर्फ चल रहा है जैसे आजकल लोग चलते हैं. दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर फॉर वर्स एज इज पोर्शन, कि उसको खुद को ही बेहतर या बदतर उसको समझना चाहिए. दैट दो द वाइड यूनिवर्स इज फुल ऑफ गुड, कि अगरचे ये पूरी बड़ी कायनात भरी हुई अच्छी चीज़ों से, नथिंग ऑफ सब्सटेंस कैन कम टू हिम बट थ्रो हिज टॉयल बेस्टोड ऑन दैट प्लॉट ऑफ ग्राउंड विच इज़ गिवन टू हिम टू टिल. सब्सटेंस मतलब वजन, कोई भी चीज़ ज़्यादा वजन की उसके पास नहीं आ सकती, लेकिन अगर वो मुशक्कत, टॉयल मुशक्कत करेगा बेस्टोड ऑन दैट प्लॉट ऑफ ग्राउंड जो उसको अता की गई है, विच इज़ गिवन टू हिम टू टिल, जो अब तक उसके पास मौजूद है. द पावर विच रिसाइड्स इन हिम इज न्यू इन नेचर, वो ताकत जो इंसान के अंदर ही साइड्स मतलब मौजूद है वो नया है इस फितरत में. एंड नॉट बट ही नोज व्हाट ही कैन डू, और कोई नहीं सवाय एक इंसान के जान सकता है कि वो कर सकता है. नॉट हैज नो अंटिल ही हैज ट्राइड, और ना ही उस इंसान को पता लगता है जब तक वो कोशिश नहीं करता है. मतलब एक ताकत जो कि मौजूद है एक इंसान के अंदर, सिर्फ एक इंसान को ही पता है कि उसके अंदर कितनी क्या करने की सलाहियत है, और उसका अदराक सिर्फ उसको उस वक्त होता है जब वो कोशिश करता है. जब वो कोशिश ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको अपने ट्रू पोटेंशियल का पता ही नहीं लगेगा.
अ मैन इज रिलीव्ड एंड हैप्पी, एक इंसान सुकून में आता है, खुश होता है, व्हेन ही हैज पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क, जब अपना दिल लगा देता है अपने काम में, एंड डन हिज बेस्ट, और अपनी बेहतरीन कोशिश करता है, बट व्हाट ही हैज सेड और डन अदरवाइज शैल गिव इन नो पीस, लेकिन उसने कहा कुछ होता है और किया कुछ होता है, इससे उसको कोई पीस, कोई सुकून उसको नहीं मिलेगा इस इंसान को. ट्रस्ट दाई सेल्फ, खुद पर यकीन करें. ट्रस्ट दाई सेल्फ, अपने आप पर यकीन करें. एवरी हर्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग, हर दिल वाइब्रेट्स, थिरकता है टू दैट आयरन स्ट्रिंग, इस लोहे की एक तार पर. मतलब हर दिल एक ही तार पे बजता है, हर दिल में एक ही आवाज़ होती है. ट्रस्ट दाई सेल्फ, खुद पर भरोसा करो, खुद पर यकीन रखो. एक्सेप्ट द प्लेस द डिवाइन प्रोविडेंस हैज़ फाउंड फॉर यू, उस जगह को कबूल करें. द डिवाइन, डिवाइन मतलब मुकद्दस, प्रोविडेंस खुदा, प्रोविडेंस मतलब है खुदा, अल्लाह ताला. उस जगह को कबूल करें जो मुकद्दस खुदा ने आपके लिए रखा है. द सोसाइटी ऑफ योर कंटेम्प्रोरीज, कंटेम्प्रोरी कहते हैं हम असर मतलब जो हमारे आस पास लोग होते हैं, उनके मुआशरे को कबूल करें. द कनेक्शन ऑफ इवेंट्स, मुख्तलिफ इवेंट्स के बीच जो कनेक्शन है उसको एक्सेप्ट करें. ग्रेट मैन हैव ऑलवेज डन सो, अजीम लोगों ने हमेशा ऐसा ही किया. एंड कॉन्फाइडेड देमसेल्व चाइल्ड लाइक टू द जीनियस ऑफ देयर एज, कॉन्फाइडेड और एतमाद रखा उन्होंने खुद में बच्चों की तरह टू द जीनियस ऑफ देयर एज, जैसे उनके जैसे कि वो फिर जहीन बने. जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर खुद में कॉन्फिडेंस होता है, बच्चे को जो दिल में आता है बच्चा वही करता है, ठीक है, जो उसके दिल में होता है. तो जीनियस लोग बच्चों की तरह ना एतमाद अपने अंदर रखते हैं, अपने जो दिल में आता है वही करते हैं. बेटरिंग देयर परसेप्शन एंड द एब्सोल्यूट ट्रस्टवर्थी वॉज सीटेड एट देयर हार्ट, वर्किंग थ्रू देयर हैंड्स प्रीडोमिनेटिंग इन ऑल द बीइंग. बेटरिंग देयर परसेप्शन, बेटरिंग मतलब होता है धोखा देना, परसेप्शन मतलब होता है राय. वो अपनी राय को धोखा देते हैं. दैट द एब्सोल्यूटली ट्रस्टवर्थी, एब्सोल्यूटली मुकम्मल ट्रस्टवर्थी यकीन, और उनको मुकम्मल यकीन होता है खुद पर. वो सीटेड एट देयर हार्ट, अपने दिल पर मुकम्मल यकीन होता है. वर्किंग थ्रू देयर हैंड्स, अपने हाथ से वो काम करते हैं. प्री डोमिनेटिंग इन ऑल देयर बींग, प्री डोमिनेट मतलब गलबा पा लेते हैं वो अपनी ज़ात पर, पूरी तरह से गलबा पा लेते हैं. वॉट आई मस्ट डू इज ऑल दैट कंसर्न्स मी, मुझे क्या करना है जो कुछ मेरे बारे में है. नॉट वॉट द पीपल थिंक, वो नहीं जो दूसरे लोग सोचते हैं. आपको लाजमी क्या करना चाहिए, वही जो आपसे ताल्लुक रखता है. वो नहीं करना चाहिए जो दूसरे सोचते हैं. दिस रूल इक्वली आर्डियस इन एक्चुअल एंड इन इंटेलेक्चुअल लाइफ मे सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस. ये असूल इक्वली आर्डियस, आर्डियस मतलब होता है मुश्किल, इक्वली आर्डियस ये असूल बिल्कुल मुश्किल होता है, बराबर का मुश्किल होता है इन एक्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ. सही में और इंटेलेक्चुअल लाइफ से मुराद ये कि जो है वो ज़हनी ज़िंदगी की बात की जाए तो ये मुश्किल होता है. मे सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन, इससे ऐसा भी हो सकता है कि फ़र्क किया जाए बिटवीन ग्रेटनेस, अजमत एंड मीननेस, और मतलब इंसान में मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपनी राय को कायम करें, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं उसको छोड़ दें. लेकिन ये ऐसा करना, ये असूल बहुत मुश्किल असूल है, चूँकि इसमें कुछ लोग आपको अजीम समझ लेंगे और कुछ लोग आपको मतलबी समझ लेंगे कि तुम मतलबी हो, चूँकि अपने मतलब की बात सिर्फ समझते हो, मेरी बात नहीं समझते. तो ऐसा भी होता है, मुश्किल है ये काम करना, खुद पर बिलीव करना इतना आसान नहीं है. इट इज़ द हार्डर, ये ज़्यादा मुश्किल है. बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो वॉट इज़ योर ड्यूटी बेटर देन यू नो इट. चूँकि आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे ज़िंदगी में जो सोचते हैं कि उन्हें पता है आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा अच्छी तरह से, जितना बेहतर आप नहीं जानते. मतलब कुछ लोग ज़िंदगी में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि आप क्या करोगे ज़िंदगी में, हम इसका ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं, बनिस्बत आप खुद इसका फैसला नहीं कर सकते. ज़िंदगी में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको बोलेंगे भाई जो तुम्हारे दिल में वो नहीं सोचो, बल्कि जो हम आपको बता रहे वो सोचोगे, चूँकि हमें ज़्यादा बेहतर पता है कि आप क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, वरना नहीं. इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन, ये आसान है दुनिया में कि हम दूसरों के राय पर ज़िंदगी जिए. मतलब दूसरों की राय के मुताबिक ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, कि जो बोले सामने वाला करते जाओ करते जाओ, आसान है. ब्लेम भी दूसरों पर डाल सकते हैं इससे कि आपने तो बोला था ऐसा करना, अब नहीं हो सका, आपने बोला था मेडिकल लेने, देखिए मैंने तो पहले ही मना किया था, अब मेडिकल में मैं फेल हो गई तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है. होता है अक्सर ऐसा, बच्चे करते हैं कि ब्लेम उठा के डाल, ज़्यादा आसान है. अगर खुद से लेंगे ना तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हें तो लिया था खुद ही, अब देखो अब क्यों नहीं पढ़े. तो दूसरों की राय पे चलना ज़्यादा आसान होता है, बंदा ब्लेम गेम खेल सकता है, किसी के ऊपर डाल सकता है पूरा ब्लेम. इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड टू लिव आफ्टर अवर ओन, अच्छा ये भी आसान होता है. सॉलिट्यूड, तन्हाई में हम जिए,
खुद के साथ ही। ऐसा भी हो सकता है कि हम तनहाई में, मतलब दूसरों को ना सुने, अपने ही चलाएं और अकेले जिए ज़िंदगी में, ये भी आसान है। कुछ लोग अपने ही चलाते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं और लोग उनसे दूर हो जाते हैं, फिर वो अकेले पड़ जाते हैं, ये भी आसान है। बट द ग्रेट मैन इज ही, लेकिन अजीम इंसान वो होता है हु इन द मिडस्ट ऑफ द क्राउड कीप्स विद परफेक्ट स्वीटनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एक रश के हजूम के भीड़ में होता है और खुद को रखता है परफेक्ट स्वीटनेस, और वो रखता है मुकम्मल मिठास द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन की आज़ादी की। मतलब एक बेहतरीन इंसान वो होता है जो कि हजूम में भी रहता है, भीड़ में भी रहता है, रश में भी रहता है, और साथ में उसके डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो आज़ादी भी जीता है, उसको अकेलेपन की आज़ादी भी हासिल होती है। इसका मतलब वो कि वो अपने दिल की बात सुनता है और हजूम में भी रहता है। ऐसे लोग बेस्ट, मतलब एक बंदा अपने दिल की बात सुन के अकेला हो जाए ये भी ठीक बात नहीं है, लेकिन इंसान दूसरों को सुन के बस अपने फ्यूचर को ख़राब कर ले ये भी सही बात नहीं है। बेहतर ये है कि आप क्राउड में भी रहें और आप अपने दिल की भी सुने, ये ज़्यादा बेहतर है। ये ऐसा इंसान ग्रेट होता है, अजीम इंसान होता है, दैट पर्सन इज़ अ ग्रेट पर्सन। ठीक है, अच्छा अभी याद एक निशान लगाते हैं सॉलिट्यूड तक, ठीक है, इसको निशान लगाएं। दोबारा खत कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर को। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, पेज नंबर 92, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, नेवर इमिटेट। इंसिस्ट मतलब जोर देना, कि खुद पर जोर दें, नेवर इमिटेट, और बिल्कुल भी इमिटेट ना करें, मतलब नकाली ना करें, नकल ना करें किसी की। योर ओन गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ अ होल्स लाइफ कल्टिवेशन। ये आपका खुद का तोहफा है जो अपने आप को आप पेश कर सकते हैं लम्हे पूरी कुव्वत के साथ, और ये आपके सारी ज़िंदगी की कल्टिवेशन, कल्टिवेशन मतलब फल, ये सारी ज़िंदगी का फल होता है आपके लिए। बट द बोरोड टैलेंट ऑफ अनदर, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे से टैलेंट बोरो किया है, बोरो से मराद उसको उधार में लिया है, यू हैव ओनली टेम्पोरी एंड इनकम्प्लीट पोजेशन, तो आपके पास टेम्पोरी मतलब आरजी एंड इनकम्प्लीट पोजेशन, इनकम्प्लीट से मुराद नामुकम्मल आपके पास मलकियत होती है। मीन्स अगर आपके खुद का, अगर आपके पास कुछ टैलेंट है वो आप उसको दिखाते हैं तो वही आपके लिए जो है वो ज़िंदगी भर आपको फल देता है। लेकिन अगर आपने किसी और के टैलेंट को बोरो किया है, बोरो करने से मुराद किसी दूसरे का भाई फलां ऐसा करें मैं भी ऐसे करूं, तो वो जो टैलेंट होगा जो बोरो किया होगा आपने, वो टेम्प्रोरी आरजी होगा, वक्ती होगा, एंड इनकम्प्लीट पोजेशन, और नामुकम्मल भी होगा, क्योंकि जो रियल बंदे के पास जो टैलेंट होगा ना वही उसको सही तरह से अंजाम दे पाएगा। अगर कोई बंदा कॉपी करने की कोशिश भी करेगा ना तो वैसा नहीं कर पाएगा। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या कोशिश करते हैं फला बंदे की तरह अल्फाज कॉपी कर लें, उसके उसका अंदाज कॉपी कर लें, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि जो रियल बंदा है वो तो रियल है। अब जितना कोशिश कर लें आप उसको कॉपी करने की, लेकिन वो इनकम्प्लीट पोजेशन आपके पास आ सकेगी। नो मैन येट नोज वॉट इट इज अंटिल दैट पर्सन हैज एग्जिबिटेड इट। कोई नहीं जानता, कोई बंदा अब तक नहीं जानता जब तक कि वो शख्स जिसके पास वो टैलेंट हो वो उसको जाहिर ना कर दे, एग्जिबिट ना कर दे। एग्जिबिट मतलब जाहिर करना। वेयर इज द मास्टर हु कुड हैव टॉट शेक्सपियर, कहाँ है वो उस्ताद जिसने पढ़ाया था शेक्सपियर को, मतलब कहाँ है वो उस्ताद, कौन था वो उस्ताद जिसने शेक्सपियर को पढ़ाया था। तो शेक्सपियर का कोई उस्ताद नहीं था, देर वॉज नो टीचर ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर बड़े जो है वो पोएट थे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो कहाँ है वो उस्ताद, वो उस्ताद दिखा जिसने शेक्सपियर को पढ़ाया हो, शेक्सपियर ने जिसको इमिटेट किया हो, ऐसा कोई उस्ताद नहीं था। शेक्सपियर खुद बहुत सौ का उस्ताद बना। वेयर इज द मास्टर, टेस्ट होगा, वेयर इज द मास्टर बदनसीबी इसी को कहते हैं। ओके, वेयर इज द मास्टर हु कुड हैव टॉट शेक्सपियर, कहां है वो उस्ताद जिसने शेक्सपियर को सिखाया, जिसने शेक्सपियर को पढ़ाया। वेयर इज द मास्टर हु कुड हैव इंस्ट्रक्टेड फ्रैंकलिन और वॉशिंगटन और बेकन और न्यूटन, कहां है वो उस्ताद जिसने सिखाया था फ्रैंकलिन को। फ्रैंकलिन से मुराद है यहां पर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर आपको नहीं पता तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज वन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका के एक सदर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। $100 के नोट पर उनकी पिक्चर भी होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका में से एक हैं।
जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, ठीक है, एडम स्मिथ, ये चार लोग थे जो फाउंडिंग फादर्स हैं किसके भाई, इनके, लाइक जो अमेरिका है, माउंट रशमोर पर उनकी पिक्चर्स भी जो है वो बनी होती हैं, पहाड़ काट कर इनकी तस्वीरें अक्सर कार्टून्स में दिखाते हैं, चार लोगों की तस्वीरें जो है वो उनकी शक्ल बनी हुई है पहाड़ काट कर हॉलीवुड माउंटेन्स पर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक यूएस प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ में वो ही वॉज ऑल्सो अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट भी थे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। छोटे में हमने उनके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी पढ़ा था कि वो काइट उड़ा रहे थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बारिश का कोई मौसम था, मतलब तूफानी टाइप का मौसम था बिजली कड़कने का, तो उन्होंने कोई जो है ना वो स्टील की पतली सी वायर से उसमें उन्होंने जो है ना वो एक पतंग उड़ाया और पतंग को ऊपर उड़ा दिया, ठीक है, उसके बाद फिर उसके साथ फिर एक चाबी लगा दी दूसरी तरफ और ज़मीन पर उसको गाड़ दिया। तो क्या हुआ कि जब बिजली कड़की तो जो है वो फिर वो पहले वो जाकर टकराए किस पर, वो उड़ते हुए पतंग पर, फिर पतंग से क्योंकि स्टील की तार थी पतली से तो उससे होते हुए चाबी तक आई थी, फिर चाबी पे स्पार्क हुआ था, फिर उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, कंडक्टिविटी बिजली की, तो लाइटिंग कंडक्टर बाद में फिर बनाए गए थे। तो मतलब छोटे में हमने पढ़ा था किसी साइंस की बुक में बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट था, जब वो पतंग उड़ाते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टील की तार से, स्टील वायर से। तो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में कुछ फ्रैंकलिन, ओके ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत मतलब यूएस प्रेसिडेंट भी थे और साथ में एक साइंटिस्ट भी थे, अमेरिका के वाहिद सदर यही थे जो साइंसदान भी थे साथ में। और वॉशिंगटन से मुराद जॉर्ज वॉशिंगटन है ना, $1 पर इनकी पिक्चर होती है जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्हीं के नाम पर वॉशिंगटन DC इज द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका, सुना होगा आपने वॉशिंगटन DC, ठीक है। तो वॉशिंगटन एक असल में एक बंदे थे, ये भी यूएस की अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, ये ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्हीं के नाम पर वॉशिंगटन नाम का मशहूर शहर है जो यूएसए का कैपिटल है, सुना होगा आप सबने, वॉशिंगटन DC लिखा होता है एंड में, उसके व्हाइट हाउस वहीं पर मौजूद है, ठीक है। तो कौन सिखा सकता था फ्रैंकलिन को या वॉशिंगटन को, और बेकन से मुराद यहाँ पर है फ्रांसिस बेकन एक फिलोसफर थे 1600 के दौर में, और बेकन को और आइजेक न्यूटन को, मतलब कौन थे उनके उस्ताद, मतलब इनके टीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे, कि आप जिसने फ्रैंकलिन को पढ़ाया हो, वॉशिंगटन को पढ़ाया हो, बेकन को पढ़ाया हो, या फिर सर आइजेक न्यूटन को पढ़ाया हो। न्यूटन का कोई उस्ताद नहीं था, न्यूटन वॉज अ सेल्फ मेड मैन, क्योंकि उसने दुनिया को वो बताया जो उससे पहले दुनिया को पता ही नहीं था, तो उस्ताद थोड़ी ना पढ़ा हुआ उसने, उस्ताद बनना तो उस्ताद न्यूटन होता ना, फिर ये थोड़ी ना होता। तो न्यूटन भी खुद से अपने ना जो ग्रेविटी वगैरह उसने जो एप्पल, ठीक है, तो एप्पल गिरते हुए उसने देखा था। एवरी ग्रेट मैन इज़ यूनिक, हर अजीम बंदा यूनिक होता है, मुनफरिद होता है, यकता होता है, हर अजीम इंसान यूनिक होता है अपने सेंस में। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर, कोई इंसान शेक्सपियर नहीं बन सकता शेक्सपियर का मुताला करके, अगर आप सोचो आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हो उसको पढ़ के आप शेक्सपियर नहीं बन सकते, है ना भाई, सिंपल सी बात है, आतिफ असलम के गाने गाकर आप आतिफ असलम नहीं बन सकते, सही बात है ना भाई, बहुत जितना अच्छा गा दो आप उसके गाने, लेकिन वो तो वही है ना जो ओरिजिनल बंदा है, सिंपल सी बात है। तो यू कैन नॉट बी, आप किसी को भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप शाहिद अफरीदी की तरह शॉर्ट्स यूज़ करें और आप शाहिद अफरीदी बन जाएंगे, दुनिया में ऐसा नहीं होगा, हर अजीम इंसान यूनिक होता है, उस जैसा और कोई नहीं होता, न्यूटन जैसा कोई नहीं आ सका, है ना भाई, सिंपल सी बात है। क्रिकेट के अंदर हर इस तरह से सिंपल, सिंगिंग में कह लें, किसी भी चीज़ में कह लें, उस जैसा माइकल जैक्सन के डांसेस लोग कॉपी करते हैं, लेकिन माइकल जैक्सन दूसरा आप नहीं आ सकता दुनिया में, क्योंकि वो यूनिक था अपने सेंस में, क्योंकि वो स्टार्ट करने वाला था, जितने अच्छे बंदा डांस कर ले लेकिन उसको तो टक्कर नहीं दे सकता ना, सिंपल, क्योंकि उसको कॉपी ही कर रहा होगा वो, उसकी मून वॉकिंग, उसकी एंटी ग्रेविटी डांस, बहुत सारे मूव्स हैं उसके, तो वो जो करता है तो वो, और आप अच्छा अब हर कोई सीख लेता है उसको, किस तरह से ज़मीन पर फिसल फिसल के चलना होता है माइकल जैक्सन की तरह, किस तरह से वो तिरछा पूरा हो जाता था पूरा यूँ करके 45 डिग्री, पता नहीं कितने डिग्री, गिरता भी नहीं था, एंटी ग्रेविटी उसको डांस क्या करते थे, रोबोट डांस उसके आजकल बहुत लोग करते हैं वैसे, टीवी में दिखाते हैं, लेकिन जैक्सन, माइकल जैक्सन MJ कोई नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो यूनिक था, हर अजीम इंसान यूनिक होता है। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर, डू दैट हु इज असाइन टू यू एंड यू कैन नॉट होप टू मच और डेयर टू मच, वही करो जो आपको असाइन किया गया, जो आपसे कहा गया है, जो आपको खुदा ने जिस चीज के लिए पैदा किया, और आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ना ही बहुत ज़्यादा डेयर कर सकते हैं, जरूरत कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकते। अबाइड इन द सिंपल एंड नोबल रीजन्स ऑफ दाई लाइफ, अबाइड मतलब रहो सादा और नोबल, मोजिस किस्म के खित्ते जो आपके ज़िंदगी के हैं उसी में रहो, अपने बाउंड्री में रहो, बाउंड्री से बाहर का मत सोचो, ओबे योर हार्ट, अपने दिल की सुनो,
एंड यू शैल रिप्रोड्यूस योर ओन क्रिएटिव वर्ल्ड अगेन, और आप पैदा कर लेंगे अपने खुद की तख्लीकी दुनिया को एक दफ़ा फिर से, आप अपने क्रिएटिव वर्ल्ड को दोबारा से आप रिप्रोड्यूस करेंगे, दोबारा से उसका जन्म होगा। सोसाइटी नेवर एडवांसेस, मुआशरा कभी तरक्की नहीं पाता। राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि सोसाइटी नेवर एडवांसेस, मुआशरा कभी तरक्की नहीं पाता, इट रिसीड्स एज फास्ट ऑन वन साइड एज इट गेन्स ऑन द अदर। रिसीड्स मतलब के पीछे हटना, तनजली का शिकार होना, पीछे जाना, ये उतनी तेजी के साथ ही पीछे जाती है जितनी तेजी के साथ दूसरी साइड से वो आगे बढ़ रही होती है। मतलब मुआशरा हर इंसान के लिए एक सा नहीं रहता, किस इंसान के लिए मुआशरा पीछे बढ़ रहा होता है, किसी के लिए आगे जा रहा होता है। बस जर्मनी है, अमेरिका है, उनके लिए मुआशरा आगे जा रहा है, पाकिस्तान के लिए पीछे जा रहा है। तो मुआशरे में हम सब हैं, अमेरिकन भी इसी सोसाइटी में, पाकिस्तानी भी इसी दुनिया की सोसाइटी में, लेकिन पाकिस्तान के लिए रिसीड हो रहा है और उनके लिए प्रोसीड हो रहा है। तो मुआशरा ये कह रहे हैं कि मुआशरा ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी सिर्फ एडवांस ही होती है, नहीं, मुआशरा कभी कभार तनजली का शिकार भी हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है हिस्ट्री में। इट अंडरगोज कंटिन्यूअल चेंजेस, इसके अंदर लगातार तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इट इज़ बारबेरियस, इट इज़ सिविलाइज्ड। कभी कभार ये मुआशरा जहालत का शिकार होता है, बारबेरियस जहालत का शिकार होता है, इट इज़ सिविलाइज्ड कभी कभार बहुत तहजीब याफ्ता होता है। इट इज़ रिलीजियस, कभी कभार ये मजहबी होता है। इट इज़ रिच, कभी कभार अमीर होता है। इट इज़ साइंटिफिक, कभी कभार साइंसी होता है। बट चीज दिस चेंज इज़ नॉट फॉर बेटर, लेकिन ये चेंज हमेशा के लिए नहीं होता, फॉर गुड या फॉर बेटर हमेशा के लिए नहीं होता, तब्दीलियाँ आती रहती हैं उसके अंदर। फॉर एवरीथिंग दैट इज़ गिवन समथिंग इज़ टेकन, मुआशरा अगर आपको बहुत कुछ देता है तो कुछ आपसे ले भी लेता है कभी कभार। सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स एंड लूजेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स, मुआशरा नए फनून को एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है, एंड लूजेस और भुला देता है ओल्ड इंस्टिंक्ट्स, पुरानी चीज़ों को, है ना भाई। नई नई चीज़ें आ जाती हैं, पहले मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलती थी, अब सॉफ्टवेयर आ गई, मुआशरा तब्दील हो रहा है। पहले लोग पेंट पे करते थे, ग्राफिक अब फोटोशॉप पे करते हैं, फिर 3D डिजाइनिंग आ गई है, अलग अलग चीज़ें आ गई हैं दुनिया में, है ना भाई। तो वही कह रहे हैं कि एक आर्ट ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा आर्ट उसकी जगह ले लेता है। व्हाट अ कंट्रास्ट बिटवीन द वेल क्लैड रीडिंग राइटिंग थिंकिंग सिविलाइज्ड विद अ वॉच अ पेंसिल एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज पॉकेट एंड अ नेकेड सैवेज हुज प्रॉपर्टी इज अ क्लब अ स्पेयर अ मैट एंड एन अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ शेड टू स्लीप अंडर। कितना फ़र्क है, व्हाट अ कंट्रास्ट, क्या फ़र्क है उस वेल क्लैड खुश लिबास रीडिंग राइटिंग पढ़ने लिखने वाले पढ़ने वाले सोचने वाले सिविलाइज तहजीब याफ्ता शख्स में, जिसके पास एक घड़ी है, एक पेंसिल है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक नोट है, रुपया है, पैसा है उसके पास, उसके जेब में, इन हिज पॉकेट। एक शख्स तो ऐसा है जो बड़ा सिविलाइज है, जदीद दौर का बंदा, एंड अ नेकेड सैवेज और एक बरहना उनिया, ठीक है, नेकेड जैसे वहशी होते हैं, नेकेड सैवेज, सैवेज मतलब जंगली, और एक नेकेड एक सैवेज बंदा, एक जंगली, उस प्रॉपर्टी जिसके मलकी है, जिसके जायदाद में क्या, क्लब, क्लब मतलब हथौड़ी टाइप का होता था, वो उस टाइप का बनाते थे, पत्थर का बनाते थे ना पुराने ज़माने में, क्लब जिसको कहा जाता था, मतलब वो हथौड़ी टाइप का ही होता था, आपने देखा होगा कभी उसको आइस एज वगैरह पुराने ज़माने में जो कार्टून्स आते थे ना फ्लिंटस्टोन वगैरह में, तो एक उस क्लब पकड़ के उगर के पीछे रखते थे हमेशा जंगली, वो उसमें वो स्टोन एज के बंदे लोग जो होते थे, तो वो तो उसको लकड़ी का भी नहीं होता था, पत्थर का होता था वो बना हुआ था शायद, वो मारते थे उसे सर पे किसी के, इस तरह से क्लब बोलते थे उसको, हथौड़ी कह सकते हैं यहाँ पर हम। स्पेयर, स्पेयर मतलब भाला, स्पेयर भी एक लकड़ी होती है, उसके आगे एक जो है ना वो लगी हुई होती है लाइक कोई ब्लेड टाइप की, उसको स्पेयर कहते हैं। स्पेयर भाला, अ मैट एक चटाई, एंड एन अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ शेड टू स्लीप अंडर, और एक अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ शेड, और एक डिवाइड ना किया गया एक पोर्शन शेड का, छप्पर का जिसके नीचे वो सोता था। घर तो होते नहीं थे, शेड मतलब एक छप्पर होती थी, अनडिवाइडेड मतलब उसने कोई चारों तरफ चार दीवारी नहीं होती थी, वो बस ऐसे कहीं पे भी जाकर सो जाता था पुराना इंसान, पत्थर में के दौर का इंसान जिसकी बात कर रहे हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों में, कह रहे हैं ना कि क्या कंट्रास्ट है, एक ऐसा शख्स आज के दौर का 2022 का एक इंसान है, आखिरी दिन आज तो है वैसे 2023 कह दें कल से, तो 2022 का एक इंसान है जो आज के दिन है, और एक इंसान जो लाखों साल या हज़ारों साल पहले था स्टोन एज का। बट कंपेयर द हेल्थ ऑफ द टू मैन, लेकिन आप जरा कंपेयर करें दोनों शख्स की सेहत का, एंड यू शैल सी दैट द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज एबोरिजिनल स्ट्रेंथ, और आप देख सकेंगे जो तहजीब याफ्ता शख्स है वो अपनी एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब असल, ओरिजिनल से निकला है, अपनी असल ताकत को वो खो चुका है। जदीद दौर का इंसान इतना ताकतवर नहीं जितना स्टोन एज के लोग ताकतवर हुआ करते थे, पत्थर के दौर के लोग जितना ताकतवर हुआ करते थे। इफ द ट्रैवलर टेल्स अ स्टोरी, अगर मुसाफिर हमें सही बताए, स्ट्राइक द सैवेज विद अ ब्रोड एक्स,
एक ब्रोडेक्स, एक कुल्हाड़ी लेकर आप मार दो किसी, किसको भाई, जंगली को, एंड इन अ डे और टू द फ्लैश शैल यूनाइट, और एक या दो दिन में उसकी गोश्त दोबारे से, जहाँ से मतलब जहाँ से वाले कुल्हाड़ी मारेंगे तो कट जाएगा गोश्त, वो गोश्त दोबारे से जुड़ जाएगा, एंड हील एज यू स्ट्रक द ब्लो इन टू द सॉफ्ट पिच, और वो हील कर लेगा, हील से मुराद की उसकी शिफायाबी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा जख्म, जैसे कि आपने किसी सॉफ्ट पिच, किसी आपने नरम से मिट्टी पर कोई कुदाल मारा है, तो नरम से मिट्टी पर कुदाल मार के बाद निकालते हैं ना, तो दोबारा से वो मिट्टी जुड़ जाती है, ऐसे उसका जख्म जुड़ जाएगा, एंड द सेम ब्लो शेल सेंड द सिविलाइज्ड मैन टू हिज ग्रेव, और वही एक टक्कर, वही एक कुल्हाड़ी का एक जरब, एक तहजीब याफ्ता शख्स को कबर में उतार देगा। मतलब एक तो फर्क देख रहे हैं कि चलो यार उतना सैली तहजीब याफ्ता है, पेन कलम पेंसिल एकदम मोबाइल लैपटॉप ये, लेकिन उसको एक मारो एक हथौड़ी फिर पता लगेगा उसको, और पुराने बंदे को मारो तो उसको कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि उसको वो स्ट्रांग था। मतलब सोसाइटी के अंदर बताने के जो पहले और आज के सोसाइटी में जो डिफरेंस था, बहुत एक फर्क, कंटिन्यूअल चेंजिंग्स आई हैं। सिविलाइजेशन तो पहले, आज के बंदा ज़्यादा सिविलाइज है, लेकिन स्ट्रेंथ के लिहाज से पहले वाले से कम है, स्ट्रेंथ में पुराने लोग ज़्यादा ताकतवर थे, है ना भाई। द सिविलाइज्ड मैन हैज़ बिल्ट अ कोच बट हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फीट, तहजीब याफ्ता शख्स ने कोच बना लिया अपना, कोच मतलब उस्ताद बना लिया अपने एक, एंड हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फीट, और अपने पाँव का इस्तेमाल उसने छोड़ दिया, मतलब अपने पाँव पर खड़ा होना उसने सोच छोड़ दिया। ही इज सपोर्टेड ऑन क्रचेस, क्रचेस मतलब बैसाखी, ही सपोर्टेड टू ऑन क्रचेस, उसको बैसाखी का सहारा हासिल है, बट लैक सो मच सपोर्ट ऑफ मसल, लेकिन उसको अपने मसल्स, अपने बाजुओं का, अपने मसल्स के ऊपर उसको कोई सपोर्ट हासिल नहीं आज के इंसान को, मतलब वो डिफरेंट लग्जरीज, डिफरेंट चीज़ों पर इक्तफा करता है, अपने बाजुओं पर नहीं। हम जब छोटे थे, मिसाल के तौर पे हम जब कोचिंग पढ़ा करते थे, बारिश हो गई है वो, हमारे दौर में व्हाट्सएप नहीं था जब हम क्लास 9-10 में थे, तो हम पैदल चलकर जाया करते थे, जाकर कोचिंग देकर आया करते, खुला हुआ के बंदे, आजकल के बच्चे घर बैठ के कर लेता है गैजेट्स के थ्रू। ये बैसाखी है हमारी, जो हमें क्या कर दे रही, कमज़ोर कर दे रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दौड़ते भागते थे, हमेशा से जा रहे पूरा देख के आ रहे, भाई यहाँ पे गेट खुला है बंद है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि सिविलाइज पर्सन के साथ ये मसला है, ही हैज़ अ फाइन मॉडर्न वॉच, सिविलाइज इंसान के पास एक जदीद, एक एक शानदार घड़ी है, बट ही फेल्स टू ऑफ द स्किल टू टेल द आवर बाय द सन, लेकिन वो सूरज को देखकर दिन का टाइम नहीं बता सकता आज का बंदा। घड़ी तो एक से एक पहने हुए लोगों ने, लेकिन पुराने जमाने के लोग सूरज देखकर बता रहे थे कितना टाइम हो रहा है। अपने अपने पेरेंट्स से आप पूछोगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे ना, तो वो बताएंगे उन्हें आता होगा सूरज देख के वो टाइम बताया इतना बज रहा होगा, अभी हमें नहीं आता है, क्योंकि हम इस चीज़ पर, यहाँ पर हमारा बैसाखी आ गई है, हमारे पास आता है आप में से किसी को सूरज देखे एग्जैक्ट टाइम, यू कैन टेल एग्जैक्ट टाइम बताते थे वो तो हमें भी पता, दिन हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, वो एग्जैक्ट टाइम वो बता देंगे, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, ये भी बता देंगे वो सूरज देख कर, सूरज को देख कर नहीं, वो असल में सूरज जमीन, सन डायल इसको हम कहते हैं, एक लकड़ी जो है ना वो ज़मीन में उस तरह से गाड़ देते हैं, फिर जो साया बन रहा होता है ना उसको साय को देख कर बताते इतना टाइम हो रहा होगा। कभी चेक किया आपने सन डायल के थ्रू? नहीं, ये नहीं आया होगा, स्टिक से पहले जमाने के लोग चेक करते थे। हाँ, बताते हैं तो ऐसा होता है। तो लेकिन आज के इंसान के पास ये हुनर नहीं है कि वो वक्त बता सके सूरज को देखकर। एंड एलमैनक ही हैज, एलमैनक कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया, एलमैनक इंसाइक्लोपीडिया, गूगल जिसको आप कह सकते हो, गूगल कह लो एलमैनक को, कि एक इंसाइक्लोपीडिया गूगल है उसके पास, एंड सो बींग श्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हेन ही वांट्स इट, और जब उसको कोई इतला चाहिए होती है तो उसको फ़ौरन से गेट कर लेता है, फ़ौरन से उसको हासिल हो जाती है गूगल वगैरह के थ्रू। एलमैनक मतलब कोई भी इंसाइक्लोपीडिया, गूगल, विकीपीडिया, कुछ भी। द मैन इन द स्ट्रीट डज नॉट नो अ स्टार इन द स्काई, लेकिन वही राह चलता हुआ इंसान नहीं जानता आसमान में मौजूद तारों के बारे में। गूगल में हमें सब बता दें, लेकिन अभी आप बाहर लेकर चलें स्टार्स की तरफ देखें, आप स्टार्स के बारे में कुछ नहीं जानते, कौन से स्टार्स हैं, कह रहा दबे अकबर कौन से, दबे असगर कौन से, ग्रेट बियर कौन से, शॉर्ट नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पुराने जमाने अपने घर पे आकर पूछोगे अक्सर चीज़ आपके घर वालों को पता होगी। हम मतलब हम गूगल तो हमारे सामने है पूरा, लेकिन हम आसमान देखकर तारों को नहीं बता सकते कौन से स्टार्स हैं। पढ़ा होगा शायद आपने, याद बात किया होगा, पोलर स्टार है, ये स्टार है, ग्रेट बियर है, ये बियर, देखा नहीं होगा कभी आपने आसमान में। द सॉल्स्टिस ही डज नॉट ऑब्जर्व, द इक्विनिक्स ही नोज अ लिटिल, सॉल्स्टिस को वो ऑब्जर्व नहीं करता, इक्विनॉक्स ही नोज अ लिटिल, इक्विनॉक्स को ये बहुत कम जानता है। अच्छा, अब ये दो वर्ड्स आप शायद जानते भी ना होंगे, सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स, क्या पता है क्या डिफरेंस है इसमें, ये पूरी गारंटी से बता रहे हैं कि आज का इंसान जो है वो नहीं ऑब्जर्व करता, नहीं मुशाहिदा करता सॉल्स्टिस का, और ना उसको थोड़ा पता तो इक्विनॉक्स के बारे में। देखो सॉल्स्टिस के मतलब होते हैं
सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट, मतलब जब लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्स्टिस। सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 21 जून। और सबसे लंबी रात कौन सी होती है? गुजर गई, 22 दिसंबर। दिस इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस एंड दिस इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात। और इक्विनॉक्स किसे कहते हैं? सेम डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात बराबर जब होते हैं, जितना लंबा दिन उतनी ही लंबी रात होती है। ये पता है किस टाइम पे होती है? दो साल में दो बार ऐसा होता है, दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च में और 23 सितंबर। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, जब इक्वल हो जाती है दिन और रात। ये दो डेज में दिन और जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात आपको मिलेगी, बाकी यहाँ पर अलग अलग। तो आज का बच्चा इसके बारे में जानते ही नहीं है, सॉल्स्टिस को ऑब्जर्व नहीं करता वो, इक्विनॉक्स को ऑब्जर्व नहीं करता वो। एंड द होल ब्राइट कैलेंडर ऑफ द ईयर इज विदाउट अ डायल इन हिज माइंड। और पूरा चमकदार कैलेंडर पूरे साल का, वो बिना किसी डायल के होता है उसके जहन में। हिज नोटबुक इम्पेयर्स हिज मेमोरी। इम्पेयर मतलब माजूर कर देना, उसकी नोटबुक, एक इंसान की नोटबुक उसकी जहानत को माजूर कर देती है। जैसे ना नोटबुक में हम लोग लिख लेते हैं, छाप लेते हैं कुछ भी, और जहन में हमारे कुछ नहीं, नोटबुक में बस लिखा होता है। तो हमारी नोटबुक्स क्या करती है? हमारी मेमोरी को इम्पेयर कर देती हैं। पहले लोग अपने जहन में चीज़ें याद रखते थे, आजकल के बच्चे सिर्फ नोटबुक में लिखता है, जहन में उसको कुछ नहीं होता है, पूरी पूरी कॉपी भर देता है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, होता है ना ऐसा? तो सही बता रहे राल्फ वाल्डो एमर्सन कि ये एक फ़र्क है सोसाइटी के अंदर। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ। कोई चीज़ आपके अंदर सुकून नहीं ला सकती सवाय आपके, सिर्फ आप ही जो है अपने आप को सुकून में ला सकते हैं, कोई और नहीं। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रियम्फ ऑफ प्रिंसिपल। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में पीस, अमन, सुकून नहीं ला सकती बट द ट्रियम्फ ऑफ प्रिंसिपल। ट्रियम्फ मतलब जीत, फतेह, प्रिंसिपल्स असूलों की, लेकिन आपके असूलों की फतेह। जब आप अपने असूलों पर फतेह हासिल कर लेंगे, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहेंगे और अपने दिल की सुनेंगे, अपने आप पर एतमाद रखेंगे, सेल्फ पर रिलाई करेंगे। तो ओवरऑल इस मोटिवेशनल चैप्टर में उन्होंने बताया यही चीज़ कि इंसान, आजकल का जो इंसान है ना, वो अपने आप पर भरोसा नहीं करता और इसकी वजह से वो बहुत सारी परेशानियों का शिकार हो जाता है। अपनी चीज़ों पर, अपने एफर्ट्स पर, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर, इन तमाम पर भरोसा रखना ज़रूरी है। तो इंसान क्या होता है? सुकून में रहता है, और जो दूसरों के ओपिनियन पर चलता है, दैट्स द बात, जिंदगी बेसुकूनी में रहती है। ठीक है, तो एक सेल्फ रिलायंस के नाम से एक फिलोसॉफिकल चैप्टर था ये, फलसफा इसके अंदर अच्छा खासा उन्होंने दिया कि उस चीज़ों का कोई स्टोरी नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, एग्जाम्पल्स बताई अलग अलग किस्म के। चलो एमसीक्यूज करते हैं, क्लास एंड करते हैं। फिर से बताएं, ट्रियम्फ जीत, फतेह, जीत या फतेह। बाकी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में इसको अपलोड कर दूंगा, तो कुछ और वर्ड्स देखने आप देख लेना इसी से, रिकॉर्डिंग सुनकर। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी भी। पेज 94 स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट है, इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज अवर ओन रिजेक्टेड नहीं थॉट्स। ये मैंने वर्ड, ये बात एक ही होती है इनकी, लेकिन वर्ड्स बुक वाले लिख रहे हैं, तो थॉट्स है बुक में, थॉट्स बोला था मैंने, फर्स्ट पेज पे ही था ये। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द ऑदर एंड वाई इज, हसद क्या है? इग्नोरेंस, जहालत है, यस, डी ऑप्शन। थर्ड, इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, नेवर डैश, इंसिस्ट ऑन, नेवर इमिटेट, यस, इमिटेट मतलब इमिटेट, ए ऑप्शन, इमिटेट मतलब नकल करना। चौथा, अकॉर्डिंग टू द ऑदर इट इज डैश इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर वर्ल्ड्स ओपिनियन, इट इज ईजी, सी ऑप्शन, या आसान है कि दूसरों की राय पर जिंदगी जिए, गुड। पांचवा, सोसाइटी अंडरगोस डैश चेंजेस, कंटिन्यूअल, बी ऑप्शन होगा, कंटिन्यूअल चेंजेस। अच्छा, ए ऑप्शन है कंटिन्यूअस और बी है कंटिन्यूअल, इसमें डिफरेंस है। बच्चे बोलते सर ये दोनों भी तो हो सकता था, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअस मतलब भी लगातार होता है, कंटिन्यूअल मतलब भी लगातार होता है, सर तो क्या ए क्यों नहीं है सही में? एक चीज़ तो हम ये कह सकते हैं, सर बुक में कंटिन्यूअल वाला वर्ड लिखा है तो ये है, चलो मान लिया। दूसरी एक और वजह है कि कंटिन्यूअस मतलब होता है एक चीज़ जो लगातार चल रही हो, रुके ना बिल्कुल, और कंटिन्यूअल पीरियोडिक, जो टाइम टू टाइम रिपीट कर रही हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि वी आर हियरिंग द कंटिन्यूअस साउंड ऑफ कंटिन्यूअस साउंड ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के जो साउंड होती है वो कंटिन्यूअस होती है, लगातार आती रहती है। और कभी, अच्छा, बिल्ली जो बोलती है वो कंटिन्यूअल साउंड होती है, मतलब एक बार बोलती है फिर रुकती है, फिर बोलती है फिर बोलती है, फिर मतलब इस तरह से। या फिर जिस तरह से भेड़िया वगैरह बोलते हैं, होलिंग करते हैं, डॉग्स बार्किंग करते हैं, तो वो पीरियोडिक फंक्शन के तौर पर होता है, थोड़े थोड़े देर में, तो उसको कंटिन्यूअल कहा जाता है। और कंटिन्यूअस जो लगातार हो, रुके ही ना, तो ये डिफरेंस समझ लें कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल में। छठा है, एवरी ग्रेट मैन इज बी यूनिक, ठीक है। सातवां, सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स एंड लूजेस ओल्ड, सी, इंस्टिंक्ट्स, चीज़ें।
न्यू आर्ट्स ले लेती हैं, पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं। आठवां, सिविलाइज्ड पर्सन हैज लॉस्ट हिज डैश स्ट्रेंथ एबोरिजिनल, ए ऑप्शन असल ताकत। नवां, द सिविलाइज्ड मैन हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट बिकॉज ही हैज बिल्ड डैश, बी कोच उस्ताद बना लिया उसने इसलिए। दसवें, अ सॉल्स्टिस इज अ बी पोजिशन ऑफ सन, मतलब पोजिशन ऑफ सन है ना कि समर सॉल्स्टिस में सूरज सबसे दूर होता है जमीन से, नहीं उल्टा बोल दिया, सूरज सबसे करीब होता है, विंटर सॉल्स्टिस में सबसे दूर होता है, ठीक है, क्लियर है भाई।